चलेगा दिल्ली? अच्छा किच्छी कर दे, चल किच्छी कर, दीदी को दीदी चल गया, इधर भी कर दे, बाय कर दे, बाय। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है 30th October, आज मुझे वापस जाना है दिल्ली। तो बस हो गई है सुबह, अब जल्दी से अपना रूटीन मतलब ब्रश व्रश करते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर पैकिंग करेंगे, फिर निकलेंगे दिल्ली के लिए। मुझे डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली तो इसलिए मैं जल्दी निकलूँगी। यूजली क्या होता है कि मैं रात को निकलती हूँ, मतलब यहाँ से रात की ट्रेन होती है, सुबह दिल्ली पहुँच जाते हैं, पर छठ पूजा की वजह से ट्रेन नहीं मिली तो मैं यहाँ से पहले जाऊँगी चंडीगढ़, चंडीगढ़ से फिर चेंज करूँगी दिल्ली के लिए। तो इसलिए मुझे दिन में निकलना पड़ेगा, तो मेरा पूरा दिन ख़राब हो जाएगा। पर कोई नहीं, ऑफिस जाना है तो जाना तो पड़ेगा। और देखिए मेरा कोल्ड इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेरा नाक बहना बंद ही नहीं हो रहा है। और कोई नहीं, हिमाचल की याद लेके जाऊँगी। और देखिए मैं सुबह सुबह खड़ी हूँ खेतों में, और यहाँ चल रही है पैकिंग दवाई, और यहाँ दी कर रहे हैं प्रेस सूप, दवाई दो का है। और यहाँ मैं सबसे तब रेडी होंगी, पहले दवाई खा लेते हैं। और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, सूट पहना है मैंने कंफर्टेबल सा, और ये रहा मेरा लगेज। मैं इसको जादू से देखना कैसे बंद करती हूँ। तो डन, रहन दो ना हुण। चल नन्नू बाय। हाँ नन्नू बाय, जा रही हूँ मैं दिल्ली, बाय। बाय दक्षु। हाँ जी चल, तू अगे निकल ले, बाय नन्नू, दिल्ली आ जाइए दीदी के साथ, ठीक है, बाय। बस अब हम जा रहे हैं वापस, यार के साथ कहीं जगह ही बोल दे। ठीक है ठीक है ठीक है, हां ठीक है, चलो ठीक है, तुझे जाओ, तो पूछ के फोन करेंगे, बाय बाय बाय। हौली हौली चलाएं, ठीक है। हॉस्पिटल, ये जो आपको दिख रहा होगा क्षेत्रीय अस्पताल, ये है हमारा उन्ना का हॉस्पिटल। और इस हॉस्पिटल के साथ ही बस यहाँ से मोड़ आएगा जो अंदर रेलवे स्टेशन के लिए जा रहा होगा। अभी आपको आपको दिखेगा यहाँ पे रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ, तो ये सबसे बड़ी निशानी है रेलवे स्टेशन जाने की, उन्ना हॉस्पिटल के साथ ही है ये रेलवे स्टेशन हमारा। ये देखिए रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है, अभी हम मुड़ गए रेलवे स्टेशन के लिए। बस यहीं पे सरकारी क्वार्टर्स भी हैं रेलवे वालों का, हॉस्पिटल भी है और साथ में रेलवे स्टेशन भी है।
काफी भीड़ है यहाँ पे देखा जाए। S5 देख लियो यार। वेल स्नैप स्क्रीनशॉट S5 देख तू। ये कौन सा गया? डीएल है। चलिए S5 तो यही लगा, यही लगा। कार्तिक कह रहा 25 25 इधर से ही चढ़। 25 है। कार्तिक 25 है। कौन सा ये वाला? कौन सा ये वाला ना? नीचे है मेरे चार्जिंग वाला निकल। ये गंदा हो रहा है क्या? नहीं वो ऐसे। हाँ पाँच सौ का क्या बोनस मिल रहा है ये तुझे? फोन गिर जाएगा भाई मेरा। कम से कम इसलिए टक्के भी दे सकता हूँ। नहीं नहीं आ सकता हूँ। और तू ध्यान से स्कूटी चलाइयो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जाइयो पेट्रोल डलवा लियो। ठीक है चल पड़ी ना बाय। पहुंच के फोन कर दियो। ठीक है और ध्यान से जाइयो। चल ठीक है। और चल पड़ी है ट्रेन। बैठ गई ट्रेन में। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्सन जिसे मैंने टिकट करने के लिए कहा था। उसने मेरी टिकट नहीं करी टाइम से और मैं ऐसे जा रही हूँ। पसंद नहीं है क्योंकि एक बार बंदा बैठ जाए और सीधा डेस्टिनेशन पहुँच जाए तो वो इस बार नहीं हुआ है। पर कोई बात नहीं, लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये एक नया एक्सपीरियंस है। तो बस अभी ट्रेन चल पड़ी है। तो लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ट्रेन में टिकट नहीं मिली है और मुझे टुकड़ों में ट्रैवल करना पड़ेगा। पर कोई बात नहीं, लाइफ में हर चीज़ का एक नहीं है अलग मज़ा होता है। तो उसमें भी कोई बात नहीं, इन्जॉय करेंगे जर्नी को। फाइनली सेइंग गुडबाय टू हिमाचल और बैक टू कोवेरियन होते हैं। पर ऑल ओवर मेरे यहाँ का एक्सपीरियंस इस बार अच्छा रहा। मन नहीं कर रहा वापस जाने का। कोई बात नहीं, जल्द ही वापस आएंगे। ट्रेन चल पड़ी है। अब मैं सीधा रुकूंगी चंडीगढ़ में। तो 3-4 घंटे का मुझे हॉल्ट मिलेगा। मैंने गैप लिया क्योंकि अगर मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम ट्रेन की 6 बजे मुझे पहुँचाया करूँ 7 बजे की तो थोड़ा बहुत रेस करेगा। ट्रैक में तुम फंस जाओ कि तुम रेलवे स्टेशन से ISBT जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने अच्छा खासा गैप ले लिया कि मुझे ना करना पड़ेगा। मैं आराम से ISBT पहुँच जाऊँ रेलवे स्टेशन। तो सीधा आराम मिलती हूँ चंडीगढ़। मेरी ट्रेन एंटर करेगी थी चंडीगढ़ में। ये चंडीगढ़ के स्टेशन पे पहुंच गए।